हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक लड़का है हमारे यहाँ पढ़ता है, तो समस्या उसके साथ क्या है कि वो चाहता है एक्सेल में कुछ ऐसा कैलकुलेट करना जिससे वो इयर्स के बारे में जान जाए। लाइक अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 1/5/1990 है तो करेंट डेट तक वो कितने वर्षों का हुआ या कितने मंथ का हुआ या कितने दिनों का हुआ वो उसे पता चल जाए, तो ये वो जानना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सिस्टम में आपको दिखा देता हूं करेंट डेट क्या है। तो ये देख लीजिए 12 जुलाई 2021 दिखा रहा है ना, ठीक है। अब सबसे पहले वो फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बिल्कुल इज इक्वल टू टाइप कीजिए। अब यहां पर लिखिए डेट, ठीक है डेट। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जब मैं पढ़ा रहा था तो भी मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, डेट डिफरेंस, डेट डिफ, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। तो वही फॉर्मूला यहां पर भी यूज कर लीजिए, डेट डिफ यूज कर लिया, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। अब यहां पर आपको उस डेट को सेलेक्ट करना है जो डेट के बेस पर हम ईयर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये डेट सेलेक्ट कर लिया, C2 में ये डेट लिखी हुई है, मैंने वो सेल रेंज सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब कॉमा देते हैं, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात थी तो वहां टूडे नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन वहां नाउ होता है, NOW। यहां पर हमको टूडे मिल जाता है, तो यहां TODAY टूडे लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको बंद करते हैं, कॉमा देते हैं। अब हम यहां पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर, ईयर। तो यहां पर ईयर के लिए जो कीवर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है वाई। तो आप डबल एटेड कोर्ट्स में वाई लिख दीजिए। अब आपको ये पता चल जाएगा कि करंट डेट से ये कितने वर्ष के हुए, तो 31 वर्ष आ गया, 1990 की जन्म तिथि है। इसी तरह से आप इसको ड्रैग कर देंगे तो सबका आ जाएगा, आ गया सबका। चलिए अब मंथ की बात कर लेते हैं, कितना महीना हुआ। तो फिर यहां लगाते हैं डेट और फिर लिखते हैं डिफ, ठीक है, क्योंकि इसी फंक्शन से, इसी फॉर्मूले से हमें ये मालूम चल पाएगा। तो यहां डेट डिफ आपको लिखना है, मैंने लिख दिया है, ठीक है, डेट डिफ। अब हमको क्या करना है, यही DOB सेलेक्ट कर लेनी है, कर लिया, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्या करना है हमें, जैसे ही कॉमा देंगे तो हमें यहां पर टूडे का यूज करना है, टूडे फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है कि आप यहां पर नाउ फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर टूडे फॉर्मूला आपको मिल जाता है, तो यहां टूडे यूज कर लिया हमने, ठीक है। लेकिन इस बार हमको क्या कैलकुलेट करना है, इस बार हमको मंथ कैलकुलेट करना है। तो यहां कैपिटल लेटर्स में एक बार लिख दीजिए M। एक्सेल समझ गया कि आप मंथ की बात कर रहे हैं, इंटरफेस कर दीजिए। 374 महीने हुए कुल मिला जुला करके, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब आप देख लीजिएगा कितना हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे डेज कैलकुलेट कर देता हूं, तो इज इक्वल टू डेट डिफ, ठीक है। तो ये डेट डिफ लगा दिया हमने, और अब इस डेट को कर लीजिए सेलेक्ट, कॉमा दीजिए, टूडे यूज कीजिए, यूज कर लिया, बंद कीजिए इसको, कॉमा दीजिए, और अब क्या करना है आपको, यहां पे देना है डेट के लिए, डेज के लिए डी देना है, तो ये डी दे दीजिए और इसको बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। इतने दिन हुए, 11,394 दिन। अब इसको नीचे ड्रैग करते हुए आ जाएंगे तो ये सबके तीनों की संख्या निकल जाएगी। अब गिनना आपका काम है, बैठ के गिनते रहिए, बाद में हमको कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।